रजरप्पा पुलिस ने बिहार पुलिस की निशानदेही पर आवासीय कॉलोनी के बंद पड़े क्वार्टर से भारी मात्रा में अवैध शराब किया बरामद। रजरप्पा पुलिस ने शनिवार को रजरप्पा कोयलांचल के आवासीय कॉलोनी स्थित बंद पड़े क्वार्टर से भारी मात्रा में अवैध देसी शराब बरामद किया है। इस संबंध में रजरप्पा के पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि शुक्रवार की रात बिहार के नवादा में गोविंदपुर थाना की पुलिस द्वारा अवैध शराब से लदे एक पिकअप वैन को पकड़ा गया था, जिसमें उन लोगों ने शराब को रजरप्पा से बिहार ले जाने की बात कही। इस पर बिहार पुलिस ने रजरप्पा पुलिस को सूचित किया और उनकी निशानदेही पर रजरप्पा थाना प्रभारी विपिन कुमार एवं सहायक अवर निरीक्षक सुजीत कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ रजरप्पा कोयलांचल के आवासीय कॉलोनी स्थित बंद पड़े सी टाइप क्वार्टर से भारी मात्रा में अवैध देसी शराब बरामद किया। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक ने बताया कि इस मामले में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। यहाँ से एक पिकअप वैन से गई है भरी अवैध शराब के साथ, जो गोविंदपुर थाना बिहार में पकड़ाया, जिसके पदाधिकारी आप उसके कुछ आए हैं, उन्हीं के माध्यम से मालूम हुआ कि यहाँ से ही कोई गाड़ी गई थी रजरप्पा क्षेत्र से। उन्हीं के निशानदेही पर हम लोग अवंडेड पड़ा हुआ एक मकान में करीब 330 पैकेट देसी अवैध शराब का बोतल पकड़े। कुछ गिरफ्तारी वगैरह हुई है? इसमें अभी प्रक्रिया चल रही है, नाम आया है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, हम लोग प्रक्रिया में है।